प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनीपत की नई अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे। मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हाथ में पटका लहराकर अभिवादन किया और वहीं कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हाथ में गदा लेकर जबरदस्त तरीके से घुमाकर जोश भरने का काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से पन्ना प्रमुख सम्मेलन के फसल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने 2024 से लेके लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी एक व्यवस्थित तरीके से सिस्टम को खड़ा करती है। दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों पदाधिकारी हैं। भीड़ इकट्ठी करना आसान है और लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना बहुत बड़ी लोकतांत्रिक कला है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संगठन मजबूत नहीं हो पाता है। जिला प्रमुख और पन्ना प्रमुख उनकी सोच में भी नहीं आ सकता। प्रदेश में 3.25 लाख पन्ना प्रमुख बनने हैं, जहां 2,70,000 पन्ना प्रमुख बना लिए गए हैं। एक एक पन्ना प्रमुख की जानकारी को कंप्यूटर पर चढ़ाया गया है और उसके पास रजिस्टर होने का मैसेज आता है। एक विधानसभा के पन्ना प्रमुख बड़ी जनसभा लगती है। ये बीजेपी की वास्तविक ताकत है। जनता के पास जाएंगे। अब अगर की बात होती है विपक्ष लोग
हमारे देश के प्रभारी प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर धारा 370 को एक चुटकी में खत्म कर दिया, किसी को क्रॉस कर दिया गया हुआ एक कल्पना इसकी दिशा ये स्पष्ट थी कि देश की जनता को दुनिया के अंदर प्रतियोगी बना करके हमें आगे लेके जाना है और दुनिया में अपने नाम कई और कामों को कमाया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।